ॉजी बिकॉज okay, well, um, वैसे तो एक्सीडेंटली uh, मैं साइकोलॉजी ले ली थी बिकॉज बाय द टाइम आई वेंट टू लिकोल तो वहाँ पे बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स थे उनमें क्लासेस फुल हो चुकी थी hmm. तो सिर्फ साइकोलॉजी बचा था बट आई थिंक दैट अ ब्लेसिंग इन डिस्गज बिकॉज वन आई स्टार्टेड स्टार्टिंग द सब्जेक्ट आई एक्चुअली फेल इन लव आई थिंक इट्स वज हेल्पिंग मी हील पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ दैट आई डिट री है The awareness towards before, so okay. per that is why I um and then the, the, there was this episode where I was diagnosed with depression when I was twenty one, almost twenty one. So right before going to Australia, so us time I thought that if I so the more that I read about you know these mm. things, the more I understand and yeah. the more kind of you know it helps me mm. as well. Yeah. So that is how actually I chose. So, yeah, psychology. we were talking about mental mm. health earlier. How important it is in Pakistan, I mean, I mean depression is like we said 70% of the world goes through depression at some point or the other. And, and I, I think ab, hmm. Alhamdulillah, thank God, finally hmm. people are I think talking about it hmm. and there are people who are understanding, hmm. people know what depression is, people know what anxiety is, people um, acknowledge if somebody else yeah. has it and they try to help. My, yeah. my mother and like hmm. my khalas and my yeah. nanu, they all tell me keep. Mm. Mm. Yeah. Uh, so and abhi bhi, I feel like this is my mm. uh, this is just something that I use for myself and that I have um, I've been able to um, I mean from my experience I've I've learned so I don't know if it will help others but this is my analysis that um there's so many people um, I don't know how to put this in, into words but um, okay सलामी ट्राई सो यू नो एम दी कॉन्सेप्ट ऑफ पेन जब भी हम पेन एक्सपीरियंस करते हैं स्पेशली um, मेरी इंडस्ट्री के लोग हम लोग जो बारह बारह घंटे काम कर रहे होते जब हमें कोई इमोशनल पें्स होती हैं हमारा इतना बिजी स्कैजुल होता है mm. कि हमें उन्हें सप्रेस करना पड़ता है कि अच्छा यार अभी डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आपको अभी इस चीज़ को सप्रेस कर दो बाद में देखूँगा या देख mm. देखा जाएगा और अभी अक्सर आपके अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ भी नहीं होती कि आप उसको फेस भी करना चाहो तो आपको काफ़ी लोगों को एंड मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पर मुझे बहुत गलत लगता था विच इज़ आई रियली वॉन्ट टू यू नो पुट आउट देर इट माइट बी एबल टू हेल्प समी इज़ वेल दैट द मोर यू ट्राई टू यू नो सप्रेस इट एंड इसकेप इट इट विल इन फैक्ट स्टे देयर एंड ग्रो इन साइड यू फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक वायरस होता है ना वो वायरस अगर आपकी बॉडी में आ गया है उसके बाद अगर आप उसको अटेंड नहीं कर रहे हो आप उस बैक्टीरिया को एक्चुअली दवाइयाँ लेके मार नहीं रहे हो mm -hmm. आप उसके बारे में कुछ कर नहीं mm -hmm. रहे हो आप आप बोल रहे हो हाँ मैं पेन किलर्स ले ली या यू नो टेम्प्रेरीलिंग के लिए कुछ ले लिया mm -hmm. तो वो अंदर ग्रो करेगा एक ना दूसरे तरीके से वो किसी ना तरीके से इट विल फाइंड अ वे आउट सो सिमिलरली जब आपको कोई किसी चीज़ की वजह से इमोशनल पेन भी हो रही है रादर देन स्केपिंग इट आई फील लाइक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू सिट डाउन विद डैट पेन एक्सपीरियंस इट फील इट एंड देन लेट इट पास बिकॉज अदरवाइज़ वो ग्रो ही करेगी और किसी ना mm. किसी गलत तरीके से निकलेगी वो जो इमोशंस हमारे मैल फंक्शन कर जाते हैं ना अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि वो मुझे एंगर मैनेजमेंट इशू हो गया या मुझे एन्जाइटी हो गई है या मुझे डिप्रेशन हो गई या एकदम से पैनिक अटैक आया और मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा mm. मुझे ऐसा लगता कि वो कोई सप्रेस्ड पेन होती है आपकी mm. पहले की आपका mm. कोई अनरिजोल्व ट्रामा होता है जो आपने रिजोल्व नहीं किया होता सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द मैसेज टू गिव आउट वज एक्चुअली आपकी बिजी रूटीन्स भी हैं तब भी यू टेल यूर सेल्फ कि मैंने अपने अपने आप को दिन में ये एक घंटा देना है जिस टाइम पे मैंने बैठ के ये अपनी प्रॉब्लम्स अटेंड करनी है अगर आपने कोई नोट्स लिखने हैं आप नोट्स लिख लो कि अब अभी मुझे ये थॉट तंग है आई विल कम बैक टू दिस थॉट वंस आई गो होम देन गिव यूर सेल्फ एन आवर ऑफ यू नो पुटिंग दैट प्रॉब्लम आउट ऑन द टेबल एंड फिगर फिगर आउट करें कि इफ वेदर और नॉट यू हैव द रिसोर्सेज टू रिजॉल्व इट इफ नॉट देन जस्ट यू नो राइट इट डाउन गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम टॉक टू अ फ्रेंड अबाउट इट और क्राई इफ इट्स नीडेड बट लेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम इवन ग्रीफ लाइक यू पेन stages of grief no? yeah there's a there's shock and then there's hurt and then there's anger and then there comes the understanding from it and the numbness from it numbness mm -hmm. but the thing is you have to deal with it yes when there's when no when other way there's when when no other when way when 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 दोबारा जब हाँ। भी कोई ऐसा ट्रिगर आएगा उनके सामने तो उनको वही इमोशन ट्रिगर होगा वर्क फॉर मी नाउ आई स्टार्ट डूइंग दिस कि अगर मुझे कोई <coughs> चीज़ बुरी लगती है तो मैं उसको hmm. बैठ के प्रॉपर फील करती हूँ मैं रोती हूँ मुझे गुस्सा है मैं जिम चले जाती हूँ मुझे किसी को सुनानी हो उसको नहीं सुना सकती तो मैं नोट्स में लिख देती हूँ माई सिस्टम टेल्लम कहीं तो आई ब्लेट इट आउट यू नो

we're not allowed to deal with it you and but there is no um, shame in being lost because hmm. i feel like in order to be found you have to be lost so every time that you feel that you're lost you're going through something terrible hmm. you have to tell yourself Ek खैर मैं उसको बिल्डअप करती हूँ कि आई आई वें कि वेन एवर यू फील लॉस्ट यू हैव टू रियलाइज दैट इट्स बिकॉज यू नो दिन एबिलिटी ऑफ योर सेल्फ दैट गॉड्स वॉन्ट्स यू टू फाइंड आउट कि मतलब मैं इस चीज़ की भी मेरे अंदर ये एबिलिटी भी है कि मैं सिचुएशन के साथ डील mm. कर सकूँ तो किसी ने बहुत uh, खूबसूरत बात की थी एकदम मुझे ऐसी कि यशमा जब uh, अपनी फील की बात ले लो कि जब uh, तुम लोगों की कोई बहुत डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट होती है तो सबसे अच्छे एक्टर को उठाया जाता है ठीक है अगर कोई um, वॉर होती है कोई कोई जंग है कहीं पे mm. तो जो लीडर है वो अपने सबसे बेस्ट वॉरियर को उठाएगा mm. इसी तरह दिस इज़ लाइक अ जंग बिटवीन अल्लाह ताला एंड शैतान राइट जो हमारे ऊपर mm. वसवस्य आते हैं चीज़ें mm. आती हैं सो एवरी टाइम वी आर फेस्ड विद आजमाइश जितनी बड़ी आजमाइश होगी अल्लाह ताला अपना उतना ही स्ट्रांग बंदा सामने रखेंगे उसको फेस mm. करने के लिए सो द बिगर द प्रॉब्लम इज़ फोर यू यू शुड एक्चुअली फील प्राउड मतलब अल्लाह तुझे चूज इस चीज़ के लिए इसलिए किया क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी है तो mm. आप अपने बारे में डिस्कवर करते हो मजीद mm. कि मैं इतनी स्ट्रॉग हूँ या इतना इन दिस mm. Main ye baat ke if you're going to um, it's your reality is literally your perception if you're going to look at your mm. blessings as if you're going to look at your opportunities as mm -hmm. your miseries to you have opportunities new miseries lugging mm. if you're going to st mm. start find looking for opportunities mm. then you miserable situation may be opportunity miserable hmm. well, that's Toh, very mature yeah. <laughs> i have to ask you at 21 when you were depressed yeah. do you want to talk about what it was about um, oh, uh, I think it was uh, a lot of things together, um, because. आई टॉक्ट अबाउट दिस मनी टाइम्स अपने uh, पिछले इंटरव्यूज में भी मेक इट शॉर्ट बट यू नो आई वॉज कमिंग फ्राम फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पर दो अमियाँ थीं तो वो 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 एक थोड़ा सा दिमाग पे इम्पेक्ट कर जाता है हालाँकि माई फादर वॉज अट फर काफ़ी ही स्टिल अ ग्रेट फादर उन्होंने बड़ी जो है हर चीज़ में हमेशा um, दोनों को बिल्कुल बराबरी रखी कि मतलब उधर भी ये गाड़ी तो उधर ये गाड़ी वो स्कूल तो हम भी स्कूल उधर इतना खर्चा इधर एवरी hmm. थिंग वाइज एक yeah. दिन उधर एक दिन इधर रहना बट फिर भी आई थी किसी ना किसी उस पर जो जब आप थोड़ी बहुत डोमेस्टिक लड़ाइयाँ देख रहे होते हो अपने घर वालों की तो उस टाइम पे आप इतने मेच्योर नहीं होते कि आप सही से अंडरस्टैंड कर सको mm. कि वो लड़ाई क्यों हो रही है और कहाँ से आ रही है बहुत फिल्में भी देखी होती हैं उनमें जो लड़ाइयाँ देखी होती हैं आपको लग रहा होता है ये भी वैसी बड़ी लड़ाई है yeah. तो वो आई थिंक uh, उस तरह से थोड़ा uh, उस वजह से भी थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी फिर मेरे भाई को मुझे लगता था कि ही इज़ एन एनिमी नाउ तो आई से मतलब ही ही प्रोटेक्टिव बट उस टाइम पे आई लाइक ओ गॉड सपोर्ट तो वो उससे थोड़ा सा एक घर वालों से mm. भी दूरी हो गई थी उनकी mm. तरफ थोड़ा सा mm. जो है ब्रिटनेस पैदा हो गई mm. थी देन आई गॉट इन्वॉल्व आई थिंक आपके um, आपका सर्कल बहुत मैटर करता है कि आप Company, कैसे लोगों उठ रहे बैठ रहे हो वो आपको अच्छी चीज़ समझाते हैं या बुरी yeah. एक तो मैं अपने से बड़े लोगों में बैठ रही उठ रही थी एंड देन पीपल हु वर ऑलरेडी नॉट वेरी हैप्पी इन लाइफ एंड देर ऑलरेडी अर प्रोडक्ट ऑफ बैड चॉइस तो उनसे जब मैं सीख रही थी तो मेरी भी जिंदगी में जो मैं जो भी चॉइस बना रही थी उसका कुछ ना कुछ बैड रिजल्ट आ रहा था तो फिर वो mm. बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैंड टू आपको बिल्कुल करनी चाहिए ट्रीटमेंट लेने में कोई बुराई नहीं है मैं हमेशा इस बारे में बात करती हूँ कि आपकी किडनी आपके लंग्स uh -huh. आपके ऑर्गन से आपका दिमाग भी एक ऑर्गन so. है उसमें कोई केमिकल हो रहा है mm. तो उसके लिए फिक्स फिक्स करो यार yeah. वो फिक्स हो जाता है yeah. uh -huh, आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा जो है वो आ, फिर आपको पता होना चाहिए जिस तरह अगर आपको शुगर है तो आपको पता है कि मुझे शुगर नहीं लेनी है उसी तरह अगर आपको पता है आपको डिप्रेशन है तो आपको अपने ट्रिगर्स पता होने चाहिए कि मुझे जगह या ये कॉन्वर्जेशन या ये इंसान या ये चीज मुझे ट्रिगर कर सकती है यू नो तो उसकी तरफ आप Hmm. उस उन चीजों को अवॉइड करो ओके